अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम सोशल मीडिया टीचर है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको फेसबुक की मुकम्मल सेटिंग के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। सबसे पहले यहाँ पे आपने फेसबुक में चले जाएं। फेसबुक में जाने के बाद मेरा पेज यहाँ पे ओपन है। ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री लाइन्स पे आपने क्लिक कर लेना। थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन होता है। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में जाने के बाद एक और सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद फर्स्ट पे ऑप्शन आता है पेज सेटिंग का, तो यहाँ पे पेज सेटिंग पे आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो देख सकते हैं जो फर्स्ट पे नेम है पेज का वो आ जाता है। पेज में नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस जगह से अपना नेम चेंज कर सकते हैं, और इसका रिव्यू चेंज करके अपना पासवर्ड डाल के इसको नीचे से जो है निक नेम आप वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बैग आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो सेटिंग है इसका नाम प्राइवेसी है। प्राइवेसी पे क्लिक कर लेना। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने मैनेज योर पेज पे क्लिक कर लेना। मैनेज योर पेज पे क्लिक करने पर आपने कैटेगरी जो है अपने पेज की सिलेक्ट कर लेनी है। मेरी हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपने सर्च करके जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो लिख लेनी है। अच्छा जी, दूसरे जो नीचे आज थोड़ा सा कंटैक्ट नंबर है तो आपने अपना फ़ोन नंबर और ईमेल, और तीसरा जो है ऐड सर्विस एरिया जिस जगह से आप अपना पेज यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेना है। ये जो हो गए, और नीचे आ जाता है जी जो आपकी लोकेशन है जिस जगह से आप रहते हैं वो आपने लिख लेना है। और उसके बाद ये आ जाता है नीचे आपका जो सोशल मीडिया लिंक है, जो भी आप सोशल साइट से चलाते हैं पेज या यूट्यूब चैनल, वो आपने इसका लिंक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी है, तो अब मैं यहाँ से ऐड सोशल लिंक पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपने इसको पब्लिक कर लेना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पब्लिक है। नीचे से अगर वेबसाइट आपके पास नहीं है तो आप अपने पेज का लिंक दे के इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये आप बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद अब नीचे एक देख सकते हैं एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस लिख लेना है, आपने कॉलेज का नाम लिखना है, और इसके बाद हाई स्कूल आ जाता है, इसके बाद आपकी करंट सिटी आ जाती है, होम टाउन आ जाता है। ये तो प्रॉपरली जो है आम बंदा कर सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे हाउस लिख लेता हूँ। हाउस करने के बाद सबसे पहले आपने इसको जो भी होगा आपका लगा हो तो आपने इसको ऑलवेज ओपन रखना, क्योंकि आपका पेज जो है ऑलवेज ओपन होगा 24 घंटों के लिए इसको करना है। इसके बाद एड प्राइवेट रेंज आ जाते हैं, तो आपको इनको इसको अनस्पेसिफिक रखना है। अच्छा, इसको अनस्पेसिफिक करने के बाद बैक हो जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आपने इसको ऑनलाइन क्लासेस या आउटडोर शेयरिंग का ऑप्शन इस पर लगा लेना है। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो ऑप्शन उसको ऐड कर लेता हूँ। इस पर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं आ चुका है। अगर अच्छा, ये रिव्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू होता है, क्योंकि ये जो होता है ऐड रिव्यू का ऑप्शन, इससे ही हमारे पेज का जो आता है प्रमोशन ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमारे लोग ज़्यादा रिव्यू करेंगे तो इससे हमारे जो पेज है इसको प्रमोट होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। हम पेज ट्रांसपेरेंसी को क्लिक कर रहे हैं, इसको सी एल पे क्लिक करना है। सी एल पे क्लिक करने के बाद अब एक ऑप्शन है ऐड एड फ्रॉम द पेज, इसकी आपने गो टू लाइब्रेरी का जहाँ पे ऑप्शन होता है आपने गो टू लाइब्रेरी में जाना है। अच्छा, इस पर चले जाते हैं। इस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपने जो ऑल एड्स हैं, किस रिलेटेड आप ऐड चलाते हैं, कौन सा आपका कंटेंट है जो होता है, तो आपने ऑल कंटेंट क्लिक कर लेना है। अगर पॉलिटिक्स के बारे का वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद जी ऑल का एक ऑप्शन है, आपने यहाँ पे ऑल के ऑप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, क्योंकि आपने जो ऐड चलाने हैं वो किस कंट्री के होने चाहिए। तो यहाँ से आपने ऑल पे क्लिक करने के बाद, मेरा तो पाकिस्तान है तो यहाँ से मैं अपने पाकिस्तान का कंटेंट ही चलाता हूँ, तो इसलिए मैं पाकिस्तान करता हूँ, ताकि जब वो आपको ऐड दे तो पाकिस्तान के ही आपको ऐड चले। यहाँ से देख सकते हैं जी ये होगी सेटिंग। इसके बाद यहाँ से भी बैक आ जाते हैं। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, एडमिन इन्फो आ जाता है। एडमिन इन्फो के बाद उधर निक नेम, रिलेशनशिप, ऐड फैमिली मेंबर, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इस जगह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई। इसके बाद बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद ये हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट आ जाता है, इसको आपने पब्लिक कर लेना है। मोस्टली ये पब्लिक ही होता है। उसके बाद नीचे है पेज एंड बेसिक फॉलो लिसन फॉलो, तो आपने इसको भी पब्लिक कर लेना है। अगर ओनली मी है तो इसको पब्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे तीसरा ऑप्शन, इसको भी आपने पब्लिक कर लेना है। पब्लिक करने के बाद ये आ जाता है, ये हु फाइंड कंटेंट यू, इसको भी आपने ऑन ही रखना है। यहाँ से मैं इसको ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर रखी है, इसको आपने ऑन करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है अलाउ योर पेज रिकमेंड टू पीपल। अच्छा, इसको भी आपने, इस ऑप्शन को भी आपने ऑन ही रखना है। ऑन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अगर आपको मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज अगर आपको लोग ज़्यादा तंग करते हैं, मैसेज के ऑप्शन को आप बंद करना चाहते हैं, तो आपने इसको ऑन है तो इसको ऑफ कर लेना है। मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा मैसेज आते हैं पेज पर तो इस ऑप्शन को आपने बंद कर लेना है। अच्छा, उसके बाद बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद पेज एंड टैगिंग का आ जाता है। पेज एंड टैगिंग पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हु कैन सी योर पेज, या अगर ओनली है तो आपने इसको एवरीवन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको भी एवरीवन कर लेता हूँ। एवरीवन क्लिकने के बाद नीचे एक ऑप्शन है अलाउ दी शेयर पोस्ट, इसको भी आपने
वो नहीं करना है, पब्लिक ही करना है। यहाँ पे मेरा मुझे पता है इसको थोड़ा सा मैं जी दे सकते हैं, नो लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे इसके यस कर देता हूँ कि मैं जो पोस्ट है वो दूसरा बंदा मैं शेयर कर सके। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाता है जी रिव्यू का यहाँ पे, तो इस पर आप रिव्यू जो रिव्यू एंड टैग योर पोस्ट, आप अगर मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, इसको आपने ऑफ करना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है रिव्यू पोस्ट टैग इन योर अपीयर, इसको भी आपने रिव्यू और टैग अगर आपको कोई टैग करना चाहते हो इसको भी आपको ऑफ ही कर दें, क्योंकि आपको कोई टैग ना करे आपका पेज का मसला बन सकता है, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद जितने भी आपको ऑप्शन हैं ऊपर वाले इसको आपने ऑन कर देना है। यहाँ पे अलाउ रिव्यू ऑन योर पेज, सॉरी ये ऑफ हो गया, ऑन करना है, इस ऑप्शन को आपने ऑन करना है। टैगिंग योर रिव्यू, इसको आपने एवरी वन ही रखना है, सॉरी इसको आपने ओनली मी कर देना है। यहाँ से मैं इसको ओनली मी कर देता हूँ। ओनली मी करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, इन जितने भी ऑप्शन है आपने इनको ऑफ ही रखना है। अच्छी ऑफ करने के बाद बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद पब्लिक पोस्ट पे क्लिक कर लेना। पब्लिक पोस्ट करने के बाद इसको सब ऑप्शन को आपने पब्लिक ही कर रखना है। पब्लिक करने के बाद जो कमेंट रैगिंग है, आप अगर बंद करना चाहते हैं कमेंट तो आप इस जगह से अपने कमेंट को बंद कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको ऑन ही रखिए। मेरी आपको यही रिकमेंड है कि इसको आप ऑन ही रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रेस्टिकेशन का, तो रेस्टिकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है किस कंट्री का आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उस कंट्री को आपने यहाँ पे ब्लॉक कर लेना है, रेस्टिकेश कर लेना है, ताकि आपको वो कोई बंदा आपका कंटेंट यूज़ करता है तो आपको वो कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैंने अपने कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाता है एज रेस्टिकेशन का, इसको आपने पब्लिक ही रखना है। यहाँ पे मेरा जो है ऑलरेडी पब्लिक है, तो अगर आप किसी और चूज़ करके किसी एज का रेस्टिकेशन का रखना चाहते हैं कि उसके रिलेटेड ये कंटेंट नहीं है, तो उसको रेस्टिकेशन कर सकते हैं आप उस एज के जो कंटेंट होगा। और उसके बाद आता है नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका नोटिफिकेशन स्क्रीन पे शो ना हो तो उसको जगह से आप नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। उसके अलावा पेज क्वालिटी आ जाती है, तो पेज क्वालिटी पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो पॉलिसी इशू का कॉमनली प्रॉब्लम चल रहा है वो है, तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद और देख लेते हैं जी, ये एक ऑप्शन आ गया जी स्टोरी सेटिंग। स्टोरी सेटिंग आपने किस तरह करनी है, प्राइवेसी सेटिंग, सबसे पहले जो है स्टोरी प्राइवेसी पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पे कोई कमेंट ना करे तो आप इसी जगह से इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं। अगर चाहते हैं म्यूट रहे तो आप इस जगह से म्यूट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड भी ऑप्शन है शेयर ऑप्शन का, तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पोस्ट जो आप स्टोरी अपलोड करते हैं वो शेयर हो, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो आप इसको अलाउ कर दें। इन दोनों ऑप्शन को मैं अब अलाउ कर देता हूँ कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो स्टोरी होगी वो देखें। उसके बाद मैसेज ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर कोई मैसेज करे जो आपने लगाई होती है, तो इसको भी आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी स्टोरी अचीव, तो आपने इस ऑप्शन को सेव अचीव कर लेना है। यहाँ से मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद जो नीचे है स्टोरी एंड म्यूट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस ना आए उस स्टोरी में तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लिंक अकाउंट का, तो अगर आप किसी दूसरे सोशल साइट का लिंक देना चाहते हैं इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप का, तो आप इस जगह से दे सकते हैं। यहाँ पे आप इस जगह पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, ताकि आपकी प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपका कोई पेज जो है वो हैंग ना कर सके। उसके बाद इंस्टाग्राम आ जाता है, इंस्टाग्राम में आपने जो आपका इंस्टाग्राम का होगा आईडी होगी उस इसको आपने इस जगह से कंटेंट कनेक्ट अकाउंट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से फेसबुक पेज को। उसके बाद इसको कंटिन्यू करके कनेक्ट हो सकते आसानी हो जाएगी। उसके बाद बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद इसको स्क्रॉल नीचे कर लेता हूँ। नीचे करने के बाद पाकिस्तानी गर्ल्स का नेम के मेरा पेज है, इसके पे क्लिक कर लेता हूँ। इसकी प्रोफाइल पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं छोटे छोटे, तो आपने इनके पे क्लिक कर लेना है। इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, एडिट ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वॉच नाउ लगाना, मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। वॉच नाउ लगाएंगे तो जो आपकी जो टाइम होता है वो आपका काउंट होता रहता है। अगर नहीं लगाते तो इससे फिर आपको फॉलो का जो ऑप्शन बटन होता है वो आपका शो नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे ऊपर जो है एक ऑप्शन है, सॉरी ये प्राइवेसी सेंटर है, अगर प्राइवेसी लगाना चाहते हैं जो भी किस्म की आप स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लगाना चाहते हैं ताकि आपका पेज हैंग ना, वो आपने प्राइवेसी सेंटर कर लेने। उसके बाद सबसे ऊपर एक ऑप्शन है एडिट का, तो मैं एडिट पे क्लिक कर लेना। एडिट पे क्लिक करने पर यहाँ से दे सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, हॉल्स है और रिव्यू का ऑप्शन है। इन सब को ऑप्शन को आपने लगा लेना है जिस तरह से मैंने बताया है। आप इस पे क्लिक करके एक एक को वन बाय वन लगा लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू का, रिव्यू का मेरा ऑप्शन फिर बंद हो गया, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के लिए आपने टर्न ऑन रिव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं अलाउ रिव्यू ऑन योर पेज पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा जी टर्न ऑन हो गया, मेरा अब ये रिव्यू का जो ऑप्शन है मेरे पेज पे लग गया है। उसके बाद आ जाता है एडिट योर प्रोफाइल, इस पे क्लिक करने के बाद जितना भी आपका जो होगा कंटेंट वगैरह वो सब बेहतरीन ये सेट